हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवान इमरान। अपाची 4V बाइक 160 है, इंजन में आगे बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है और इस बाइक का धुआं भी फेंक रही है। बाइक है देख सकते हो कितना गलत साउंड आ रहा है, अगर बोले तो बहुत ज़्यादा गलत साउंड आ रहा है। धुआं भी इंजन में से कोई व्हाइट स्मोक ज़्यादा आ रहा है और इंजन में साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमें बोर ओपन करके चेक करेंगे इसको, क्या ट्रबल है क्या करके बोल के। ऑयल भी बहुत ज़्यादा पी रहे करके बोले कस्टमर है इस बाइक में। बाइक का हेड बोर ओपन करेगा बोले तो इसका प्रॉब्लम मालूम हो जाएगा। देखेंगे चेक करेंगे ओपन करके। By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Very, very bad. Head to full black. तरीके से है रहा बोले तो बिल्कुल भी माइलेज नहीं आती बाइक। देख सकते हैं कितना ब्लॉक हो गया कि हेड है। टाइमिंग पैड आ गए, बोर भी ओपन करेंगे। पिस्टिंग के ऊपर भी ऑयल जमा हो के कार्बन तो फुल है, देख सकते हैं कितना फुल है बोल के कार्बन हो। देख सकते हो बोर के अंदर आके दो लकीर बड़े से पड़ गए हैं, इसलिए स्मोक आ रहा है बाइक में। रफ फक्कलने की वजह से इस तरीके से लकीर पड़ जाते, दो से या तीन लकीर पड़े, बहुत ज़्यादा गड्ढा हुआ देख सकते। इस वजह से इस बाइक में स्मोक आ रहा है। ये बाइक में आके मेन प्रॉब्लम आके लॉकर्स आके जाके है। लॉकर्स के अंदर तरफ इस तरीके से बेरिंग्स रहते बॉल्स टाइप हो, और एक लॉकर तो सही है, एक लॉकर के बेरिंग्स आके फुट के बॉल्स पूरे बिखर गए, इसलिए हमें एक लॉकर्स को चेंज करेंगे और बोर भी रीबोर करा के फिट करेंगे। इंजन आके बहुत स्मूथ खेल दी लॉकर्स चेंज करने की वजह से। इस तरीके से कैमशाफ्ट रहता, कैमशाफ्ट को भी देख सकते कितना लकीर पड़े और घट गया है कैमशाफ्ट आके। इस तरीके से कैमशाफ्ट के आप ऊपर आके एक भी थोड़ा भी ज़रा डैमेज है ये बोले तो लॉकर्स आके डैमेज हो जाते।
और एक मेन पॉइंट क्या आ रहा है बोले तो, ये कैमशा टाइमिंग व्हील का बोल्ट आके मामूल डई नहीं रहता, रिवर्स डई रहती, रिवर्स डई आके ओपन कर लेना पड़ता। मामूल ओपन करेगा बोले तो लॉक होया था फुल से बोल्ट। बोर का तो मेन प्रॉब्लम आके लॉकर्स तो चल गए, और आके लॉकर्स के सेटिंग्स भी आके बहुत खराब हो गए, वॉल्स भी आके बहुत ज्यादा गड़ गए। देख सकते हैं इनकी सेटिंग तो भी बिल्कुल भी खराब हो गई। हमें इंजन में से ऑयल निकालने के बाद इस तरीके से ऑयल बोल्ट को पीसेस रग ले के है मैग्नेट के, ऑयल बोल्ट को मैग्नेट होता ना, मैग्नेट को इस तरीके से पीस है करे बोले तो ऑयल सर्कुलेशन होते वक्त ये आके पिस्टन में भी सर्कुलेशन होता ऑयल, ऐसे पीस है करे बोले तो जरूर से बोर को आया थी बाइक। देखेंगे क्लच ओपन करके अभी क्या क्या है करके बोल के, क्लच ओपन करने के बाद मालूम होता। क्लच कवर के तो पूरे बोल्ट ओपन कर लिए, और ऑयल फिल्टर के जगह एक 5mm एलन की बोल्ट रहता, उस बोल्ट को ओपन करने के बाद ही क्लच केस आकर हमको ओपन होता। मामूल से बोल्ट ओपन नहीं करके ऊँचू थोड़ा मारिंग करके बोले तो केस भी डैमेज हो जाता। ध्यान में रख लें एलन की 5mm एलन की का बोल्ट रहता ऑयल फिल्टर के पीछे तरफ, उस बोल्ट को ओपन कर लेने के बाद हमको क्लच कवर ओपन हो जाता। क्लच प्लेट तो भी पूरे जाके है, ये जल गए क्लच प्लेट दिख रहे है काले सर के। जरूर से बात अपाची बाइक में आके क्लच में बॉल्स रहता, उस बॉल्स को ज़रूर डालना पड़ता, नहीं करो बोले तो आपका क्लच बिल्कुल भी काम नहीं करता, अप एंड डाउन हो जाता। चंद बाइकों में देखे कि बॉल्स ही नहीं डाल रहे हैं, क्लच काम करो बोले तो किधर से काम करता, क्लच नहीं काम करता। जो भी TVS की बाइक है उस बाइक में आके क्लच में छोटा सा बाल्स रहता, वो बाल्स डालना ज़रूरी है। देख सकते हैं क्लच प्लेट आके पूरे जल के राख हो गए है। पिकअप आओ करके बोले तो किधर से आता पिकअप हो, टाइम को ऑयल चेंज कर लेने से क्लच प्लेट भी आके बहुत ज़्यादा लाइफ आते। टाइम को ऑयल नहीं चेंज करने के बाद इस तरीके से क्लच प्लेट जल जाते।